जिसके वो जीता हुआ साबित किया जा रहा है उसके पास इतने वोट नहीं है अब यहाँ पर फिर दुनिया के मुख्त इदारे भी इस पर एतराज करें तो ये पाकिस्तान का पूरे पाकिस्तान का मसला है इस तरह की सिचुएशन के लिए पाकिस्तान के दस्तूर में एक शिक है 184, यानी आर्टिकल 184 जो पाकिस्तान की अदलिया को यह इख्तियार देता है कि वो चर्चा रहा पिछले कुछ अर्चे में देखिए अब तो वो इख्तियार तीन जजों के पास है ना हमारे तीन मोहतरम जज साहिबान बैठे सीनियर जज साहब और वो बैठ के इस सूरत हाल पर गौर करें और मेरा ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट है, एक हुक्म दे दे हुँ. कि जनाब अभी आप फॉर्म फोर्टी फाइव लेके अपने अपने आरोप के पास जाए और गिनती दोबारा हो जाए सही ठीक है जहां जहां पे ऐतराजा और ज्यादा से ज्यादा दो दिन और लगेंगे ना हुँ. तीन दिन और लग जाएंगे ठीक है जहां पे इतनी देर से रिजल्ट्स आने का नतीजा नतीजा आने का घंटों के बाद रिजल्ट्स आए तो वहां पे आगे भी बात हमारे वजीर आजम साहब ने आज बताया मैं साहब ने कि छत्तीस घंटों के बाद रिजल्ट हैं उन्होंने क्या गुफ्तु की पहले अपने नाजिम को ये सुनाते हैं हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। आपको पता है कितना वक्त लगा है छह करोड़ पांच लाख वोटर्स को वोट काउंट करते हुए स्वीडन में उनको दस से बारह दिन लगे थे काउंट करने में दो में इंडोनेशिया में ऑलमोस्ट एक महीना लगा था हमें कितना लगा किसी को पता और आप सब कहते हैं कि ये रिग्ड इलेक्शन पता किसी को नहीं है 36 आवर्स में ये कंपाइल हुए 2018 में 66 आवर्स में हुए थे और पहले ढाई घंटे में ये परसेप्शन डिजिटल मीडिया के जरिए बना दी गई स्वीपिंग इलेक्शन को रिक कर दिया गया है चेंज हो गए रिजल्ट्स इंकलाब आ गया और उस इंकलाब को रोक लिया गया हम सारे डेमोक्रेसी के साथ कमिटेड हैं हर इलेक्शन में तबातुर के साथ इसी तरह के इल्जाम आते थे आते हैं और बदकिस्मती से मुझे लग रहा है कि आते रहेंगे अच्छा अबीत साहब जैसा कि इंटरनेशनली भी अब इन इंतखाबात के हवाले से उंगलियां उठाई जा रही हैं तो आ, वजीर आजम साहब की जो बात हमने नहीं सुनाई हुई मुबैया धानली की तहकीकत हम नहीं करवाएंगे ये नहीं, नहीं करवानी चाहिए यहाँ पे, पे तो सवाल किसी मुल्क का नहीं अपने मुल्क का है। और दूसरी बात यह है कि वजी अजम का इस्तदाल मुलाजा फरमाइए वजीर आजम कह रहे हैं कि चूंकि एक जुर्म हुआ था लिहाजा अब भी जुर्म हो गया तो क्या मसला पहले भी लोग मरते थे अब भी मरे क्या मसला है यहां पे पहले भी चोरी होती थी अब भी चोरी हो रही है तो क्या मसला यानी अब आप, आप जरा तस्वुर फरमाइए यह हमारे मुल्क के चीफ एग्जीक्यव का बयान है कि चोरी हो गई है चूंकि एक दफा पहले भी कभी हुई थी तो लिहाजा अब तुम इस चोरी पर चुप कर जाओ, सुबह अल्लाह सुबहान अल्लाह वजीर आजम कौन होते हैं ये बताने वाले इलेक्शन फ्री एंड फेयर था वो भी निगरान और वो भी निगरान वजीर आजम को क्या पता वजी इलेक्शन कमीशन के मेंबर अच्छा ना? उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे आ जाइए इलेक्शन कमीशन अपने ही काम का जज कैसे हो सकता है यानी वो खुद ही फैसला करेगा कि हमारा काम तो बड़ा ठीक है और भाई आज इलेक्शन कमीशन ने बार शिकायत सेल लगाए हुए इलेक्शन कमीशन में हलकों पे हल्के चैलेंज हो रहे हैं और आप कह रहे हैं इलेक्शन छत्तीस घंटे अब आप जरा तस्वुर कीजिए आपका छत्तीस वजी आजम ऐसे बता रहे हैं जैसे वजीम हाउस के सारे बंदे बैठे हुए थे वोट गिन रहे थे ऐसे 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 करके और बता रहे हैं कि जरा बड़ी स्पीड है हमारी देखे हमने छे करोड़ वोट गिनती है और भाई आपके ये जो छे करोड़ वोट हैं या चार करोड़ वोट हैं ये तो आपके तीन घंटे में गिने जाने अच्छा चाहिए अबीर साहब सवाल बहुत है कि ऑफिसर ऑफिसर हर हाँ। ने गिनने है ना और नब्बे हजार से ज्यादा प्रोजाइडिंग ऑफिसर है आप कैसे कह सकते हैं कि छत्तीस घंटे लगे अच्छा अबीर साहब अनफॉर्चुनेटली हर इंत के बाद हमने देखा है कि सियासी मंडी लगती है खरीदो फरोख्त होती है हॉर्स ट्रेडिंग होती है इस बार भी सियासी मंडी लगेगी और तैयारियां उसकी शुरू हो चुकी हैं इसके लिए मेरा ख्याल है कि आप अदालत उमा का वो फैसला पढ़ लें जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था यानी इलेक्शन कमीशन ने लिया था और अदालत उमा ने उसकी तोसीक कर दी थी उस फैसले ठीक था। था। है उसको इंडोर्स कर दिया था तो अब आप जरा तस्वुर फरमा लें कि ये क्या हुआ और उस वक्त सारे लोग पूरा पाकिस्तान ये कह रहा था कि जनाब ये मामूली सी शिक है ये ना करें क्योंकि लोगों को नजर आ रहा था कि क्या होने वाला है लेकिन हमारी अदलिया कानून चूंकि अंधा होता है तो इस वजह से कानून ने अपना अंधा धुंध रास्ता बनाया और फिर जो नतीजा निकला है वो अब आपके सामने है, तो गोया आपके पूरे के पूरे निजाम के ऊपर सवालिया निशान लग गया और इसके बाद अब आप बताएं कि पार्लिमानी निजाम की तकदीस जो सुनाते हैं उसके सना खान है वो सना खानों को के पास अब क्या दलील रह गई है कि जब ये मंडी लग रही है और मंडी कौन लगा रहा है मंडी कौन लगा रहा है आप कभी बताए ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मंडी लगी हुई है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने मंडी लगाई हुई है हुँ. जब आप इस तरह की मंडियों की सूरत में आप हुकूमतें बनाएंगे हुँ. तो अब आप जरा तस्वर कर लेना कि आपके पार्लियामानी निजाम की तकदीस क्या रह जाएगी इसका मतलब फिर ठीक है इसका मतलब यह है कि आपके पास ये निजाम नहीं होना चाहिए आपको किसी और निजाम के बारे में सोचना चाहिए अच्छा इन में जो एक अच्छी बात हुई वो ये कि कुछ बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं और कुछ नए लोग एंटर हुए हैं हमारे साथ वजी अजम तो कह रहे हैं बड़े बुर्ज उल्टे हैं इस वजह से ये ये इलेक्शन ठीक है अच्छा वजीर तो ये भी कह रहे हैं ना अब आप जरा तस्वुर फरमाइए कि जनाब राणा असलाउला साहब हार गए जबेफ साहब हार गए रफीक साहब हार गए उन्होंने तो अपनी अच्छा, शिक्ष तस्लिम की और उन्होंने कहा अच्छा, ठीक है हाफिज नमान साहब ने जो मिसाल कायम की है वो पाकिस्तान हाँ। की तारीख में जमहूरी रवैया जो अब जरा आज के जो बुरज उल्टे हैं भाई आपसे तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं है कि बुरज उल्टे हैं भाई आर्गुमेंट ये मजीद बुर्ज रह गए थे वो भी उलटने हैं अच्छा। है, वो पूरे का पूरा हाँ। मतलब क्वेश्चन मतलब है, है इन चार बंदों को हरा दो ताकि इलेक्शन अच्छा। में अपनी मर्जी करने का पूरा मौका मिल जाए क्या वजीर आजम इस तरह के किसी प्लान का हिस्सा थे जो वजी आजम ये दलील दे रहे हैं बड़ी बात करें आप हबीब साहब ठीक है देखिए ये वजी आजम साहब का काम नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन की आके आके इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने लगे भाई अभी आप सादा सी, सादा सी सी बात ये है कि आपके पूरे के पूरे इलेक्शन के ऊपर सवाल या निशान आया हुआ है वो जमाते जो हुकूमतें बना रही हैं उनकी वो सीटें जिनकी बुनियाद पे इस वक्त टीवी पे जो चल रही हैं वो सीटें मशकूक है हुँ। आप हुँ। कैसे इस गवर्नमेंट की लेजिटेसी की बात करें तो लिहाजा ये बात इतनी सादा नहीं है हाँ। ये पूरे ये हाँ। इस इलेक्शन ने पूरे के पूरे हाँ। निजाम पे सवाल यह हाँ। डाल डाला अभी आप ये फैसला नहीं कर सकते ठीक